तो वी हैव फिनिश्ड इलेक्ट डाइपोल मोमेंट फिनिश कर लिया हम लोगों ने, है ना। हम जो है ना आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में फील्ड को एक पार्ट में डिवाइड किया था, पोटेंशियल दूसरे पार्ट में लिया था, और तीसरे पार्ट में हमने डाइपोल को कवर किया। सो जिसको मैं चौथा पार्ट बोलता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर। व्हाट विल डू इज विल बेसिकली कवर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन दिस चैप्टर। तो मेन फोकस तो हमारा रहेगा कंडक्टर्स पे, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। और इंसुलेटर में जिसको हम बोलेंगे ना, जो टर्म हम यूज करेंगे वो है डाइलेक्ट्रिक। एंड डाइलेक्ट्रिक का जो मैक्सिमम यूज हमारे को आएगा ना, वो आएगा कैपेसिटर में। ओके बट इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो है ना, जो हमारा मेन स्टडी रहेगा वो कंडक्टर्स का रहेगा, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस और कंडक्टर का बिहेवियर वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ओके सो सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहला टॉपिक जो है इसमें वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे को मालूम होना चाहिए, सॉलिड एंगल होता क्या है। ज्यादा एप्लीकेशन तो हमारा आता नहीं है। तो इन 11th क्लास जो तुमने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें तुम लोगों ने सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल दोनों डेफिनेशन पढ़ी होगी। सो द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल जो तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है वो ये थी कि अगर ये दो लाइन दे रखी है और इसके बीच का एंगल थीटा अगर हमारे को मेजर करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट ओपन द कंपास एंड ड्रॉ द सर्कल ऑफ एनी आर्बिट्ररी रेडियस। जरूरी नहीं कि जो रेडियस का मैंने बनाया उसी रेडियस का बनाओ, किसी भी रेडियस का सर्कल बना दो। ओके किसी भी सर्कल का रेडियस का सर्कल बना दो। इन एनी केस द एंगल सब्सटेंडेड बाय द एंगल बिटवीन द टू लाइंस विल नॉट चेंज, राइट। सो द डेफिनेशन इज वॉट एवर इज द सर्कल यू हैव ड्रॉन उसकी रेडियस आर। तो जैसे ये लाल कलर का सर्कल ले लो, तो उस लाल कलर के सर्कल की जो रेडियस है और वो जो आर्क लेंथ है, सो अगर ये आर्क लेंथ एस है और ये रेडियस आर है, देन थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर तुम येलो कलर का सर्कल ले रहे हो तो येलो कलर का सर्कल की आर्क ले लो और येलो वाले सर्कल की रेडियस ले लो, देन दिस इज एस एंड दिस इज आर, देन दिस इज इक्वल टू एस बाय आर। मैं अलग अलग कलर में लिख रहा हूं ताकि आर्क लेंथ और रेडियस को S1 R1 ना लिख के कलर से ही डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। ओके और ये जो अंदर मैंने बनाया ये वाला ऑरेंज कलर का सर्कल ले रहे हो, तो उसकी आर्क लेंथ एस है, उसकी रेडियस आर है, अगर देन दिस इज इक्वल टू एस बाय आर। तो जो प्लेन एंगल डिफाइंड था थीटा, प्लेन एंगल वो डिफाइंड होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। और बिकॉज ये प्लेन में है, एक प्लेन में 2D फिगर है ये। ओके उसी तरह से व्हेन वी गो इनटू 3D, ओके एक और चीज थी, इस एंगल का जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, वो है रेडियन, इट्स नॉट डिग्री। डिग्री जो तुम 9th-10th क्लास तक पढ़ते हो ना वो नहीं है, इट इज रेडियन। एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, ये कन्वर्जन याद रखना। एंड रेडियन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एंड रेडियस। तो ये जो है L बाय L का डायमेंशन है उसका,
विच इज डायमेंशनलेस. ओके, सिमिलरली व्हेन वी कम इन टू 3D, जब हम 3D में आ जाएंगे, देन इंस्टेड ऑफ सर्कल यू टेक द स्फीयर, इंस्टेड ऑफ सर्कल वी टेक द स्फीयर. और जो वहां पे क्या होता था कि इट वॉज द आर्क, मतलब दो रेडियस बनाते थे, यहाँ पे कौन बनाएंगे. सो ये तो 3D में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे फिगर में. सो सपोज कर लो मेरे पास ये कोन है, इसको वो वाला कोन ले लो जो आइसक्रीम का कोन होता है ना अपना, वो वाला आइसक्रीम का एम्प्टी होलो कोन है. फिर इसके ऊपर जो आइसक्रीम रखते हैं, ये जो आइसक्रीम रखी है अपन ने, अज्यूम इट इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब पूरा कोन जो है इस स्फीयर के अंदर है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. मैं वापस से थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं, अगर ये मेरा पूरा स्फीयर है और इसके सेंटर से अगर अपन ने एक कोन बना दिया, ये कोन बना दिया मैंने, ठीक है, तो ये जो सरफेस है आइसक्रीम का, ये जो सरफेस है एस, देन द सॉलिड एंगल ओमेगा इज डिफाइंड एज एस बाय आर स्क्वायर, दिस इज सरफेस एरिया, नोट द आर्क लेंथ. पहले मैंने एस को आर्क लेंथ डिनोट किया था, इधर मैं एस को सरफेस एरिया डिनोट कर रहा हूं. देन अगेन दिस इज द डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एंड इसका जो ऐसा यूनिट है वो है स्टर्डियन, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है स्टर्डियन. नाउ व्हाई आर वी स्टडिंग सॉलिड एंगल, बिकॉज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते थे हम फील्ड लाइन से, राइट, एंड व्हेन वी आर मेजरिंग द फील्ड इंटेंसिटी कि कौन कहाँ पे फील्ड ज्यादा है कहाँ पे फील्ड कम है, सो व्हाट आर यू मेजरिंग इज यू आर मेजरिंग फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ऐसे ही मेजर कर रहे थे ना. और वो कौन सी फील्ड लाइन्स थी, फील्ड लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द एरिया, है ना, उसी उसी फील्ड लाइन्स को जब हम एरिया से क्रॉस करवाते थे ना, तो हम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स काउंट करके बोलते थे दिस इज द स्ट्रेंथ. ओके, और हम लोगों ने अभी तक जो किया था ना, व्हाट यू डूइंग इज यू यूजिंग वेरी सिमेट्रिक फिगर्स. हम लोगों ने क्या किया था, सेंटर पे लिया था एंड ऑल द फील्ड लाइंस वर कमिंग आउट लाइक दिस, सो नोइंगली अनोइंगली यू नेवर नो दैट द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड थी, बट दिस में नॉट अभी ऑलवेज अ केस. सपोज अगर तुम्हारा एरिया एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, कुछ रैंडम इस डायरेक्शन में, एंड योर फील्ड लाइंस आर इन दिस डायरेक्शन, देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, देन यू हैव टू एक्चुअली टेक द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फील्ड टू दिस एरिया, और यू हैव टू टेक द एरिया विच इज परपेंडिकुलर दिस फील्ड, एंड देन फाइंड आउट द फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग द एरिया. तो इसमें फिर रैंडम शेप अगर होगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉलिड एंगल. क्लियर हो गया? सो व्हाट विल हैपन इज, इवन दो हमारे को ये सारी मैथमेटिक्स करनी नहीं है, बट व्हाट विल हैपन इज दैट यू ऑलवेज डिवाइड द ज्योमेट्री इनटू स्मॉल स्मॉल एरियाज, और उस एरिया को हमेशा जो भी फील्ड लाइन है ना उसके साथ अलाइन करेंगे, लाइक इस सरफेस को हमेशा फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कर देंगे. अब मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके तुम्हारे को बताता हूँ, सपोज ये एरिया है एंड फील्ड लाइन्स अगर ऐसे जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एरिया का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में ले लेंगे, सो दैट द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड लाइन, एरिया वेक्टर
इज पैरेलल टू फील्ड लाइन, और आई से दैट सरफेस इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। दो अलग अलग वर्ड यूज करो मैं, रिमेम्बर यहां पे वापस से रिवाइज करवा देता हूं तुम्हारे को। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो जैसे अगर मैंने ये एरिया लिया, ये वाला प्लेन, तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ना, वो ये होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं फील्ड लाइंस को इसी डायरेक्शन में ले रहा हूं, देन द फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, या फिर हम बोलते हैं द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो सरफेस को हम लूजली यूज कर सकते हैं, बट जनरली जब मैथमेटिक्स यूज करोगे तो द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, नॉट परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का तो पैरेलल है, तभी तो उस सरफेस को काट रही है। सो व्हाट वी डू इज वी अंडरस्टैंड दैट जब भी वर्ड एरिया यूज करेंगे, वी ऑलवेज ट्राई टू स्टिक कि हम एरिया वर्ड हमेशा वेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, और अगर हमारे को एज अ स्केलर ट्रीट करना है उसको, तो वील यूज द वर्ड सरफेस ताकि हमारे को पता चल जाए। बट एनी वे वेन एवर वी आर लूजली स्पीकिंग, तो हम फिगर देख के समझ जाएंगे कि हम एरिया की बात करें या सरफेस की बात करें। बट मैथमेटिकली जब भी डील करोगे, देन यू ऑलवेज डील विद एरिया वेक्टर, ताकि उसका डायरेक्शन ले सको और तुम्हारे को डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो भी निकालना है, देन यू फाइंड आउट द राइट डायरेक्शन एंड डू द कैलकुलेशन। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ एरिया वेक्टर? रिमेंबर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू एनी मैथमेटिकल थिंग, मैं तो खाली बता रहा हूँ कि एरिया वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता, उसका एक डायरेक्शन होता है और उसका डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और फील्ड लाइंस जो है ना, हम जब भी एरिया के साथ लेंगे तो उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमारे को अलाइन करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल। उतार लो इसको अच्छे से। सो नाउ वी अगेन कम टू फील्ड लाइन एंड सॉलिड एंगल, हम कैसे यूज करेंगे। सो यहां पे हमने क्या किया है, फॉर अ गिवन सॉलिड एंगल ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा या ओमेगा जो है ना, इसको हम सॉलिड एंगल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई भी दो पॉइंट ले लिए P1 एंड P2, जैसे कि ये P1 पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला P1 पॉइंट है, और यहाँ पे एक P2 पॉइंट है जो कि डिस्टेंस R1 एंड R2 है फ्रॉम द चार्ज। ओके, तो पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा, खाली कुछ कुछ बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे चार्ज Q है और ये पॉइंट अपन ने एक लिया है P1, और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है P2, ऐसा रैंडम है ना, ये ले लिए दो पॉइंट, और P1 का डिस्टेंस जो है वो R1 है और P2 का डिस्टेंस R2 है फ्रॉम द चार्ज। ओके, एरिया ऑफ द सरफेस एलिमेंट सबस्टेंडिंग सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा एट द चार्ज Q, तो सॉलिड एंगल जो हो जाएगा डेल्टा ओमेगा है अगर, देन जो सरफेस हो जाएगा, सरफेस इज व्हाट, सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया था, ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस अपॉन आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया कितना हो जाता है, सॉलिड एंगल इनटू आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे स्मॉल एंगल डेल्टा ओमेगा सब्सटेंड कर रहा हूँ, तो इसका स्मॉल एरिया हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इनटू आर1 स्क्वायर,
इसका हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इंटू आर टू स्क्वायर। द नंबर ऑफ लाइन से एन कटिंग दीज एरियाज एलिमेंट्स आर द सेम, है ना, क्योंकि अगर अपन ने ये यहां से ये ऐसे लिया है, सपोज ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ले लिया अपन, तो जितनी भी फील्ड लाइन्स है, चाहे ये वाला एरिया लो चाहे ये वाला एरिया लो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स तो सेम ही है। अगर सपोज मैंने चार बनाई है, तो एस वन से भी चार पास हो रही है एरिया से, और एस टू एरिया से भी चार ही पास हो रही है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स तो चेंज नहीं हुई है। सो द नंबर ऑफ लाइन्स आर कटिंग यूनिट एरिया, सो नाउ इफ आई फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, इधर तो टोटल लाइन्स तो एन है और एरिया कितना है, डेल्टा ओमेगा इंटू आर वन स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एन अपॉन डेल्टा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच आई हैव ड्रॉन इज एन, कितनी फील्ड लाइंस बनाई है, एन इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम ही है दोनों एरिया को काटने वाली, देन इसका एरिया तो डेल्टा ओमेगा इंटू आर वन स्क्वायर है और इधर का एरिया डेल्टा ओमेगा इंटू आर टू स्क्वायर है, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, सिंस एन एंड डेल्टा ओमेगा इज सेम, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हैज 1 बाय आर स्क्वायर डिपेंडेंस सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ यू सी हियर कि यहां पे भी जो रिलेशनशिप आ रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो आ रहा है, इट इज कमिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी यही था, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो वी कैन सी दिस रिलेशनशिप ऑफ सॉलिड एंगल कैसे यूज किया जा सकता है विद नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंड कैलकुलेटिंग द एरिया, एंड वी सी के उसका जो रिलेशनशिप है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही आ रहा है। सो दिस इज हाउ, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट व्हिच इज यूज्ड इन क्या बोलते हैं, जब रफ क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिक ज्योमेट्री जब होती है ना, तब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज किया जाता है। हम तो हमेशा स्फेरिकल ज्योमेट्री यूज करेंगे या प्लेनर ज्योमेट्री यूज करेंगे, तो तुम्हारे लिए एरिया निकालना बहुत आसान होगा और सवाल सॉल्व करना बहुत आसान होगा, बट अगर अनसिमेट्रिक ज्योमेट्री होगी देन दिस कॉन्सेप्ट इज यूज जो हमारे काम का नहीं है। ओके, सो समझ में आ गया क्या है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, एप्रिशन पार्ट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड हम अप्लाई भी नहीं कर रहे, इज दिस क्लियर। यस इस साल बोर्ड की बुक में है क्या सॉलिड एंगल या कटवा दिया है? नहीं सर, नहीं है, ओके, फिर तो फिर काम का नहीं है, अगर बोर्ड की बुक में होता तो बोर्ड के लिए फिर ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ना सिंपल सा, ये सफिशिएंट था बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स पहले इसको समझो, ये मेरा पाइप है पानी का, ओके, और यहाँ इसको एक नल से लगा रखा है, यहाँ पे अपन ने इसको एक नल से लगा रखा, ओके, तो नल से पानी इसमें आ रहा है, और यहां से पानी निकल रहा है, ओके, और यहां पे एक बीकर रखा हुआ है, यहां पे एक बीकर रखा हुआ है जिसमें पानी भर रहा है अपन, ओके, अगर पानी की जो फ्लो स्पीड है बीकर के अंदर, सॉरी नल के अंदर पाइप के अंदर, वो है वी, तो अगर मैं ये लेंथ को वी ले लूं, तो 1 सेकंड में जितना भी पानी
इस पाइप के अंदर भरा हुआ है वो इस बीकर में आ जाएगा। अगर मैं वी लेंथ ले लूं, वी इज व्हाट, वेलोसिटी, तो एक सेकंड में जितना भी पानी, एक सेकंड के बाद ये वाली जो पानी की ड्रॉप है, ये वाली जो पानी की जो ड्रॉप है ये यहां पे आ जाएगी और इसके आगे का सारा पानी बीकर में भर जाएगा। तो व्हाट इज द रेट ऑफ फिलिंग, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड, कितना पानी इस बीकर में भर रहे हैं, वो हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ वी ले ली है और अगर ये लेंथ ए है, एल है, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका ए है, तो वेलोसिटी इनटू एरिया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो एक सेकंड में इसमें खाली हो रहा है। ऐसा समझो कितना पानी निकल रहा है इसमें से एक सेकंड में, वी इंटू ए। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक हाँ है, अब अपन ने क्या किया, सेम चीज वापस से ली और इस बार क्या किया अपन ने, ये जो पाइप था ना इसको काट दिया मैंने ऐसे, ये जो पाइप था अपने पास इसको चाकू से जैसे गन्ना काटते हैं ना वैसे काट दिया, तो ये टेपर्ड एरिया हो गया यहाँ पे, ये टेपर्ड एरिया हो गया जिसका एरिया ए डैश हो गया। ओके तो एरिया एक्चुअली इंक्रीज हो गया यहाँ पे, एरिया एक्चुअली इंक्रीज हो गया, ए डैश हो गया, एरिया हो गया ए डैश, और ये ए डैश जो है वो ए से बड़ा है, सामने दिख रहा है। तो अब बताओ कि इस बीकर में एक सेकंड में कितना पानी भरा है, इस बीकर में एक सेकंड में कितना पानी भरा है? ये वापस बोलो, जिसने भी बोला जोर से बोलो थोड़ा। डैश वी ए डैश, ओके आदि, सो वी ए डैश वी ए डैश हृदय, सर नहीं सुनाई दिया हृदय, खाली सर सुनाई दिया, उसके बाद क्या बोला सुनाई नहीं दिया। वी डैश वी ए डैश वी ए डैश, ओके इस पाइप को देखो, ये टेपर तो बहुत छोटा है, ये लेंथ वी है। अभी इस पाइप में टोटल पानी कितना है, वी ए है या वी ए डैश है? इस पाइप में पानी कितना है आदि? वी वी ए है, तो इधर से पानी कितना बाहर निकलेगा, वी ए ही बाहर निकलेगा, वी ए डैश थोड़ी बाहर निकलेगा। सो स्टिल द वॉल्यूम पर सेकंड जो आएगा वो वी ए ही है, वी ए डैश नहीं है। हमने तो खाली आगे से उसके मुंह को काट लिया, उसके मुंह को काटने से क्या फर्क पड़ता है, जितना पानी नल से एंटर हो रहा है अंदर उतना ही पानी बाहर आएगा। तो इस सेक्शन में जो है वो तो अभी पानी वी ए ही है, भले ही आगे से काट दिया। ओके क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकंड, यस सर इट इज वी ए नॉट वी ए डैश। तो बेसिकली यहां पे क्या देखा हम लोगों ने, इफ दिस वी इज द वेलोसिटी, इफ दिस वी इज द वेलोसिटी उस पाइप में, एंड दिस इज द एरिया ए, ये एरिया ए है। सो एरिया ए का जो डायरेक्शन है वो जो वी का डायरेक्शन है वो जो है पैरेलल है,
ओके, जब मैंने एरिया ए डैश ये ले लिया, जब ए डैश ये ले लिया, तो ए डैश का जो डायरेक्शन था नया ए डैश, एक मिनट, मैंने ए डैश ये ले लिया, तो जो ए डैश का डायरेक्शन है अब वो ये हो गया, ए डैश का डायरेक्शन ये हो गया, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो इधर तो इस केस में तो पानी वी ए बाहर आ रहा था, और इस केस में भी पानी वी ए बाहर आ रहा है। ओके, इफ यू सी हियर, दिस इज ए डैश एंड दिस इज ए, तो ए डैश का जो ए पे प्रोजेक्शन है, ए इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा, राइट? अगर अपन एरिया के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले लेंगे तो एक ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। सो व्हाट इज द वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकंड? वी ए इज इक्वल टू वी ए डैश कॉस थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं वी डॉट ए डैश, दैट इज ओनली द कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, या जो सरफेस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसी से पानी बाहर आ रहा है। जो जो सरफेस वेलोसिटी के पैरेलल है उससे पानी बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है? इट इज ओनली द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मैं सरफेस वर्ड यूज कर रहा हूं, एरिया वेक्टर के टर्म में ओनली द कंपोनेंट ऑफ द एरिया विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, उसी से जो है, क्योंकि वही वेलोसिटी की लाइन जो है ना उस एरिया को काट रही है। जैसे ये ए डैश है तो एक तो एरिया ये हो गया, ए तो ये हो गया, और दूसरा एरिया का कंपोनेंट ये हो गया, तो पानी का तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, पानी का फ्लो, अगर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में तो पानी इस व्हाइट वाले सरफेस को तो काट ही नहीं रहा, तो उससे तो बाहर आ ही नहीं सकता, सिर्फ लाल वाले सरफेस को काट रहा है, तो जिसको काट रहा है उधर से ही बाहर आएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? यस ओके, कल मैं एक एनिमेशन लेके आऊंगा, साले याद दिला दूंगा, मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि ये सरफेस जो है उस लाइन के परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए और वही हमारे को फ्लक्स क्यों देगा। तो ये जो पानी का जो पर यूनिट सेकंड बाहर आ रहा है, हम इसको बोल देते हैं फ्लक्स, कि हाउ मच फ्लक्स ऑफ द वाटर इज कमिंग आउट। तो फ्लक्स ऑफ द वाटर किससे आ रहा है हमारे पास? वी डॉट ए से आ रहा है। जो भी एरिया ए हो ए डैश हो, वी डॉट ए इज गिविंग अस द फ्लक्स ऑफ द वॉटर कमिंग आउट। सिमिलरली अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इन एनी डायरेक्शन, एंड इफ यू टेक एरिया इन एनी डायरेक्शन, तो इस एरिया का डायरेक्शन ले लो, ये मेरा एरिया है, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, देन दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, जो एरिया वेक्टर फील्ड के साथ बना रहा है, थीटा इज द एंगल विच एरिया वेक्टर मेक्स विद द फील्ड। ओके, सो द फ्लक्स फाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ई डॉट ए, फ्लक्स फाई इज डिफाइंड एज ई डॉट ए, और एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, सो द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एंगल थीटा ले रखा है, देन दिस इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा।
क्लियर हो गया यहाँ पे, फ्लक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। देन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, सामने दिख रहा फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट से निकाला है। सो दिस फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एंड इसका जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज न्यूटन, ये क्या है, फोर्स अपॉन क्यू इंटू एरिया। सो दिस इज न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके सो द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ट्राई टू राइट यूनिट, जितनी बार लिख सकते हो यूनिट लिखो, जितनी बार लिख सकते हो डायमेंशन को लिखो, बिकॉज जेई और नीट दोनों में डायमेंशन और यूनिट से एक सवाल पक्का आता है, या तो एरर्स आ जाएगा या डायमेंशन का आ जाएगा। सो जितना तुम लोग डायमेंशंस में कंफर्टेबल रहोगे अभी लिखने में, सवालों में, इन सवालों में, इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल में, मैग्नेटिक फील्ड के सवाल में, तो जब डायमेंशन एनालिसिस का सवाल आएगा तो तुम्हारे लिए यूनिट्स लिखना, इनके डायमेंशन लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज वहां पर तुम सोचते ही रहोगे इसका डायमेंशन क्या है, इसका यूनिट क्या है। ओके सो फाई इज इक्वल टू, जब मैं फॉर्मूला ई इंटू ए याद रखता हूँ, नॉट कॉस थीटा, तो मेरे को इसका डायमेंशन इजीली मिल जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो आई शुड रिमेम्बर कि इस फॉर्मूले को यूज करना है मेरे को क्या बोलते हैं, फील्ड फ्लक्स का डायमेंशन निकालने के लिए। ओके सो अभी ये फ्लक्स का डायमेंशन निकाल दिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिमेम्बर दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी और फील्ड का फ्लक्स यूज करोगे तो फिर उसका अलग से डायमेंशन निकालना पड़ेगा। जिस फील्ड का फ्लक्स यूज होगा वो वाला फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका डायमेंशन आ जाएगा एरिया के साथ। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंडिंग अपॉन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। When I say area vector, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हालांकि खाली एरिया लिखा जा सकता था, मैं बार बार एरिया वेक्टर यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे को पता चलता रहे कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए बार बार एरिया वेक्टर यूज करता हूँ। तो जहां पे मेरे को उसको स्केलर जैसे यूज करना होगा, मैं हमेशा उसको सरफेस बोल दूंगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ओके एंड यहाँ पे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द डेल्टा एस, जो भी मैं एरिया ले रहा हूँ सरफेस, इज डिटरमाइंड द एरिया वेक्टर। तो किसी भी सरफेस का अगर अपने को डायरेक्शन निकालना, तो अपन उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे। सो एरिया वेक्टर जो है ना सरफेस का, हमेशा इट इज नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। फॉर क्लोज सरफेस द एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एरिया 90 डिग्री हो जाता है सरफेस और फील्ड के बीच में, यानी एरिया वेक्टर और बिटवीन द एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। ओके ये पॉइंट्स हम कल वापस से डिस्कस करेंगे, एंड आई विल ओवर द क्लास हियर ओनली। ठीक है, इसको उतार लो अच्छे से।